नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। किसान साथियों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप फरवरी महीने के अंदर कौन कौन सी सब्जी लगाकर एक बहुत ही कम समय के अंदर अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान साथियों, फरवरी का जो महीना होता है, जो हमारे सब्जी वाले किसान होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस महीने के अंदर कुछ ऐसी सब्जी लगाई जाती है जो बहुत ही कम समय के अंदर आपको एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। किसान साथियों, सबसे पहले जब भी आप सब्जी की खेती करते हैं, आप अपने खेत के अंदर सब्जियां लगाते हैं, तो उससे पूर्व आपको आपके खेत की एक अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि किसान साथियों, सब्जियों के अंदर क्या होता है, सब्जियों के अंदर अत्यधिक न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जो हमारी सब्जियां होती है उनको अच्छे एक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसके अभाव के अंदर जो हमारी सब्जी है वो ग्रोथ नहीं कर पाती, प्रोडक्शन नहीं दे पाती। इस स्थिति के अंदर आपको फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके खेत की तैयारी करनी है। आपके खेत के अंदर आपको प्लेवा करने के पश्चात जब भी आप अपने खेत की जुताई करते हैं तो उसके अंदर आपको सबसे पहले 5 ट्राली गोबर की खाद की डालनी होती है, जो पूरी तरह से गली सड़ी हुई होनी चाहिए। किसान साथियों, गोबर की खाद के साथ साथ सब्जियों के अंदर रासायनिक खाद की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब भी आप किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी लगाते हैं तो उसके अंदर आपको सबसे पहले 1 कट्टा यानी कि 1 बैग DAP, उसके बाद 1 बैग SSP सिंगल सुपर फास्फेट, 20 से 25 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, इसके साथ साथ किसान साथियों आपको 4 से 5 किलो जिंक 33% प्लस 5 किलो सल्फर दानेदार, इन जो रासायनिक उर्वरक है इनका आपको उपयोग करना है, क्योंकि किसान साथियों, कहीं पर भी अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी रह गई तो जो आपकी सब्जी है उसके अंदर वो निश्चित तौर पर दिखाई देगा कि आपकी फसल के अंदर इस पोषक तत्व की कमी रह गई है और जो आपकी सब्जी है वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। किसान साथियों, इसके साथ साथ जब भी आप अपने खेत के अंदर सब्जियां लगाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो खेत है उसके अंदर फंगस की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपके खेत के अंदर फंगस की प्रॉब्लम है, इससे पहले आपने कोई भी उसके अंदर फसल लगाई या सब्जी लगाई, उसकी जड़ के अंदर जो है फंगस आपको दिखाई देती है, उसकी जड़ गला शुरू हो जाती है, जड़ काली पड़ जाती है, तो इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए आपको जब भी आप खेत की तैयारी करते हैं तो सब्जियां बोने के लिए जब भी आप खेत की तैयारी करते हैं ठीक उसी समय रासायनिक खाद के साथ साथ आपको 500 ग्राम थाइफनेट मिथाइल फंजीसाइड का उपयोग करना है, क्योंकि यह जो फंजीसाइड है जो आपकी सब्जियां होंगी उसकी जड़ गलन से सुरक्षा करेगा और आपको एक अच्छी पैदावार देगा। किसान साथियों, इसके साथ साथ जब भी आप सब्जियों के लिए खेत की तैयारी करते हैं तो आप पहले यह अनुमान अवश्य लगा लें कि आपके खेत के अंदर नेमेटोड की समस्या है या नहीं है, क्योंकि बेल वाली जितनी भी सब्जियां होती है उनके अंदर कई बार नेमेटोड की समस्या देखी गई है, जिसके कारण क्या होता है, जो आपकी बेल वाली सब्जियां होती है उसकी जड़ों के अंदर गांठे बन जाती है, जो आपका पौधा होता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो बढ़वार नहीं कर पाता और एक अच्छा उत्पादन नहीं दे पाता। इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए किसान साथियों, आप 5 किलो कार्बोफ्यूरान प्रति एकड़ के हिसाब से खेत की जुताई करते समय प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं आप फरवरी के अंदर कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। किसान साथियों, 2024 के अंदर क्या है, अभी तक जो 30 जनवरी को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं अभी तक अत्यधिक सर्दी है, इसलिए आपको लगभग 7 से 10 दिन इंतजार करना है, उसके पश्चात ही आपके खेत के अंदर सब्जियों को लगाना है, क्योंकि किसान साथियों, इतनी सर्दी के अंदर अगर आपने सब्जियों के बीज अपने खेत के अंदर बो दिए तो वो उनका जर्मिनेशन बहुत कम होगा, अत्यधिक सर्दी के कारण वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। किसान साथियों, इस कड़ी में 10 से 15 फरवरी के बीच सबसे पहले आप भिंडी की सब्जी लगा सकते हैं। किसान साथियों, अच्छी तरह से खेत की जुताई करने के बाद
पहले बताई गई सारी खाद डालने के बाद मेघ निकालने के पश्चात अगर आप एक अच्छे बीज का चुनाव करने के उपरांत भिंडी की सब्जी अपने खेत के अंदर लगाते हैं तो निश्चित तौर पर किसान साथियों ये आपको अच्छा खासा मुनाफा देगी, क्योंकि जब भी भिंडी का पौधा 1 से 1.5 फीट का होता है इसके अंदर फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाती है और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। इसके साथ साथ किसान साथियों मार्केट के अंदर भिंडी के भाव हमेशा अच्छे रहते हैं। यह एक ऐसी खेती है जो हमारे सब्जी वाले किसान को कभी भी मरने नहीं देती, उसको कभी भी नुकसान नहीं होने देती। किसान साथियों इस कड़ी में आप दूसरे नंबर पर 10 से 15 फरवरी के दौरान तोरी लगा सकते हैं। किसान साथियों तोरी के अंदर भी सेम फर्टिलाइजर्स का, सेम उर्वरक का, सेम देसी गोबर की खाद का आपको उपयोग करना है। उसके पश्चात आप अपने खेत के अंदर बेड बनाकर और तोरी की खेती कर सकते हैं, जिसके लिए भी आपको एक अच्छे बीज का चुनाव करना है। किसान साथियों तोरी की जो खेती होती है उसको अगर आप मचान बनाकर बांस की जो पोल आपके खेत के अंदर खड़े कर दीजिए उसके ऊपर आप तार लगा दीजिए, अगर आप उनके ऊपर जो आपकी तोरी की बेल को चढ़ा देते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपका तोरी का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। उसके अंदर जो गलाई की समस्या है, गलन की समस्या है, जो आपकी तोरी गल जाती है मचान बनाने के पश्चात वह भी नहीं आती। कई बार बारिश के दिनों में पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है खेत के अंदर, उससे भी आपकी जो बेल वाली सब्जियां होती है उनको नुकसान होता है। अगर आप अपने खेत के अंदर मचान बनाकर बांस लगाकर, बांस के ऊपर तार लगाकर तोरी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपका प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है और आपको एक अच्छा खासा मुनाफा होता है। किसान साथियों इसके बाद आप फरवरी महीने के अंदर करेले की खेती कर सकते हैं। करेले की खेती के अंदर भी सेम जो आपकी गोबर की खाद है और सेम उर्वरक है उसका आपको उपयोग करना है। इसके साथ साथ आपको एक अच्छे बीज का चुनाव करना है। किसान साथियों करेले का जो आप खेती करते हैं तो करेले के भाव भी हमेशा 30 से 40 रुपए किलो के लगभग कम से कम रहते हैं। कई बार अगेती फसल के अंदर इसके भाव 70 से 80 रुपए किलो भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि किसान साथियों जो हमारे शुगर के पेशेंट होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, उनको करेला खाना बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए यह एक औषधि के रूप में भी काम करता है और इसके भाव हमेशा तेज रहते हैं। इसलिए आप फरवरी के महीने के अंदर करेले की खेती कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों इसके बाद आप फरवरी महीने के अंदर अगेती खीरे की खेती कर सकते हैं। खीरे की खेती करने के लिए भी आपको सेम गोबर की खाद डालनी है और सेम वही रासायनिक जो खादें हमने आपको बताई थी उनका उपयोग करना है। इसके बाद खेत की तैयारी करने के पश्चात आप आपके खेत के अंदर बेड बना दीजिए और वहां पर आप जो खीरे की फसल है लगा दीजिए। किसान साथियों फरवरी महीने के अंदर अगर आप खीरा लगाते हो तो यह अगेता शुरू हो जाएगा, जिसके आपको 40 से 50 रुपए किलो मार्केट के अंदर भाव बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगे। किसान साथियों कुछ इस प्रकार की जो अगेती फसल लगाकर फरवरी महीने के अंदर जो हमारे सब्जी वाले किसान साथी हैं एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको खेतीबाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।